अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभी जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, यह कोई फुटबॉल नहीं है बल्कि फुटबॉल के आकार जैसी यह एक रसोली है जो एक महिला की बच्चेदानी से ऑपरेशन द्वारा निकाली गई। अभी आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ, तो आपको बताते हैं कि यह सारा कारनामा झज्जर के मेडिकेयर हॉस्पिटल में हुआ। जब एक महिला उपचार के लिए मेडिकेयर हॉस्पिटल में आई और उसने अपने बढ़ते हुए पेट के आकार की बात डॉक्टर निधि से की, तो महिला की प्रारंभिक जाँच शुरू की गई। डॉक्टर निधि की माने तो जब पीड़ित महिला को MR के लिए मशीन में ले जाया गया तो बढ़े हुए पेट के आकार की वजह से वह मशीन में दाखिल ही नहीं हो पाई। फिर उन्होंने जांच का रुख मोड़कर उस महिला का CT स्कैन कराया, जिसमें पाया गया कि महिला को रसोली है जो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। फिर डॉक्टर निधि ने अपनी सूझबूझ के आधार पर उस महिला का ऑपरेशन किया तो एक चौंकाने वाला दृश्य था, जिसमें उस महिला की बच्चेदानी में लगभग 15 किलो की रसोली पाई गई, जिसे डॉक्टर निधि ने एक सफलतापूर्वक ऑपरेशन से रसोली को बाहर निकाला और उस महिला को उस खतरनाक बीमारी से बचाया। डॉक्टर निधि ने इसे एक बड़ी लापरवाही बताते हुए कहा कि यह एक लापरवाही का ही नतीजा है, जो अगर शुरू से ही जांच करा ली जाती और समय पर इलाज करा लिया जाता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती। साथ ही उन्होंने अन्य महिलाओं को भी संदेश देते हुए कहा कि अक्सर महिलाएं अपनी बीमारी के प्रति लापरवाही करती हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं रहती हैं। उन महिलाओं को भी संदेश देते हुए कहा कि महिलाओं को अपनी जांच समय पर करवाते रहना चाहिए। मैम बताएंगे, जो कल ऑपरेशन हुआ है तो क्या था उसमें सारा मामला? वो एक सिस्ट था। पेशेंट हमारे पास आया पहली बार ये कह के कि मेरे पेट में दर्द है, पेट बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, नीचे बैठा नहीं जाता है ढंग से, काम नहीं किया जाता है ठीक से। हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशंस कराए, फिर हम लोगों ने एक अल्ट्रासाउंड कराई, तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी क्लियर ठीक से हुआ नहीं। वो लोग ना तो ये बता पाए हैं कि ये सिस्ट बेसिकली थी कहाँ पे, किस सिचुएशन में थी। यूट्रस में थी, यानी कि जैसे हम बच्चादानी बोलते हैं बच्चेदानी में थी, ओवरी यानी कि जैसे हम अंडादानी बोलते हैं उसमें थी, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने इन्हें भेजा MRI के लिए। MRI मशीन के में इनकी एंट्री ही नहीं हो पाई। एब्डोमेन गर्थ यानी कि मोटाई पेट की इतनी ज़्यादा थी कि वो मशीन के अंदर जा ही नहीं पाई, पेशेंट ही नहीं एंटर हो पाई। फिर मजबूरन हम लोगों को CT कराना पड़ा। CT में ये क्लियर होके आया कि बहुत बड़ी सिस्ट है, नियर बाय 30 सेंटीमीटर विड्थ की एक बहुत बड़ी सिस्ट है एब्डोमेन में, पूरी तरह क्लियर उसमें भी नहीं हुआ। बस इतना हुआ कि इट इज़ अ बेनाइन, इट्स नॉट अ मैलिग्नेंसी, ये चीज़ क्लियर हो गई। बट व्हेन वी ओपन दैट अपना एब्डोमेन, जैसे ही हमने पेट खोला है कल OT में डॉक्टर नीलेश ने, तब पता लगा है कि सिस्ट एक इतनी बड़ी सिस्ट है, जैसे कि आप ये कह सकते हो कि 6 बच्चे छोटे एक उसमें आप बंद कर दो, एक पॉलिथिन में आप बंद कर दो और उसको फुला दो, इट्स लाइक दिस, इतना बड़ा पानी का भरा हुआ गुब्बारा टाइप में बहुत बड़ा सिस्ट ये निकला है। इट्स जो आपका इसका वेट है वो 15 kg अराउंड है। तो मेन चीज तो ये है कि पेशेंट उस चीज से 6 महीने से परेशान थी, रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, बट शी वॉज इग्नोरिंग। बार बार वो उस चीज़ को बार बार डॉक्टर को दिखाने जाने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए झिझक रही थी। ये एक सबसे बड़ी खामी है हम लोगों में जो फैमिलीज में, जो हमारे परिवारों में जो औरतें हैं, जब तक कि कोई भी बीमारी बढ़कर उसके पीक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती तब तक हम लोग अपने बारे में सोचते नहीं हैं, तब तक निकल के नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ मेरा एक मैसेज, जो भी पारिवारिक जो औरतें हैं हमारी, जो हम सबकी संभाल रखती हैं, हम सबका ध्यान रखती हैं, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, उन लोगों के लिए है कि पहले सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखो। कहीं भी छोटा भी कुछ आपको महसूस होता है इमिडिएटली जाके डॉक्टर को कंसल्ट करो, इससे पहले कि वो बड़ी बीमारी में बदल जाए। तो ये सारा मामला लापरवाही का है? ये सारा मामला लापरवाही का है। इसको पेशेंट को 6 महीने से ये लगातार बढ़ती आ रही थी, तो इसने ये चीज़ जब इसको शुरू में ही बढ़नी शुरू हुई थी, हो सकता है ये इतना बड़ा साइज होता ही नहीं, ये इनिशियली अगर आके दिखा लेती तो ये लापरवाही हुई ना कि अपने शरीर को लेके इसने, हमारा जो पेशेंट है इसने अपने शरीर को लेकर लापरवाही की है। तो ऑपरेशन हुआ है, कौन कौन टीम में थे आपके? हमारी टीम में डॉक्टर नीलेश डांगी, डॉक्टर निधि, डॉक्टर अभिषेक आर्या, दीपक, वी ऑल आर देयर।
तो मेडिकेयर द्वारा ये सफल ऑपरेशन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इनिशियली तो इस तरह का, पहली बात तो ये ऑपरेशन करने को ही बहुत कम इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, लगभग 100 में कोई एक या दो केस इस तरह के होते हैं। बाकी हमारा जो हॉस्पिटल है, वी प्रोवाइड हर, हम लोगों ने अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज पेशेंट को प्रोवाइड करके, मोटिव मेन यही है कि पेशेंट को उसकी परेशानी से बाहर निकालना, मिनिमम कॉस्ट फैक्टर से, यानी कि कम से कम खर्च में पेशेंट का इलाज करना, उनको एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उनको एक अच्छे डॉक्टर द्वारा उनका इलाज करवाना, ये मेडिकेयर हॉस्पिटल का मेन मोटिव है। तो इसमें भी हमने पेशेंट से बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं किया है, सिर्फ जितना हमारा खर्च लगा है लगभग उतना ही लिया है। वहीं जब पीड़ित महिला से बातचीत की गई तो उसने बताया कि उसे ऑपरेशन के बाद बहुत ही राहत मिली है, जिसका वे डॉक्टर निधि का धन्यवाद करती हैं। क्या नाम आपका? कविता। कैसे पता चला कि क्या दिक्कत थी आपको? बैठन उठन में दिक्कत। तो कोई रिसोली थी या क्या थी? पता नहीं जी, पानी की गांठ सी थी। तो पता कैसे चला कि ये गांठ है या क्या है? ये बैठन उठन में दिक्कत हुई जब दिखाया, जब बढ़ा, जब ज्यादा बदन लग गया। दर्द भी होता था ना? दर्द नहीं था कोई भी। तो फिर इसके लिए आपने कोई जांच वगैरह कराई थी या फिर सीधे यही आ गए थे? यही आए थे हम तो। तो आप, कैसा लग रहा आपको, आपकी जो डिसोली थी वो निकल गई? ये सही है, ठीक है, आराम लग रहा है? हाँ। तो डॉक्टरों का धन्यवाद बोलना चाहेंगे? हाँ। अब पेन भी नहीं है और वो पानी वानी भी नहीं बनता? झज्जर से संजना छाबड़ा के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।